Hey, good morning dear all. My name is Chandni Pandey and I will teach you computer and GK subject. Okay, तो कैसे हो आप लोग? I hope आप लोग बहुत अच्छे होगे, है ना? और घर में सिर्फ मस्ती ही चल रही होगी अभी, है ना? अब हमको मस्ती के साथ साथ क्या करना है? पढ़ाई भी करना है. बहुत मोबाइल का यूज़ कर रहे होगे, पता है मुझे, गेम्स खेलने में, यूट्यूब में स्टोरी देखने में, है ना? बट अब हमको मोबाइल का यूज़ क्यों करना है? स्टडी करने में, क्योंकि स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अब हम आज से क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे? स्क्रीन में क्या दिख रहा है? कंप्यूटर. कंप्यूटर का लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ना हम आज से स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम क्या है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. अब क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज पहले से रहता है या ना रहता हो, फिर भी हमें उसका क्या इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है. तो जो लोग भूल गए हैं कि क्या होता है कंप्यूटर और कैसे वर्क करता है, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेफिनेशन से. तो अब हम क्या देखते हैं? कंप्यूटर की डेफिनेशन कंप्यूटर की पिक के साथ. तो जिसको भूल गया होगा कि क्या होता है कंप्यूटर, उसको फिर से याद आ जाएगा. तो चलो देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन. A computer is an electric machine that can store, find and arrange information, calculate amounts and control other machine. Computer क्या है? Electronic device है, ठीक है, जो कि information को search करता है, उसको store करता है, उसको arrange करता है अच्छे से, ठीक है, calculate करता है amounts को, और बाकी सारी मशीन्स में कंट्रोल करता है. कौन करता है? ये कंप्यूटर करता है, ठीक है. ये है आपकी बेसिक सी कंप्यूटर की डेफिनेशन. ओके, तो सबको समझ आ गई कंप्यूटर की डेफिनेशन, है ना? किस किस को आ गई? सबको आ गई होगी और सबको याद भी आ गया होगा, है ना? रिकॉल हो गया ना कि क्या होता है कंप्यूटर. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. अब जैसे आप लोग क्लास सेकेंड से थर्ड में आए हो, पता है ना आप लोगों को, तो जितना आपने क्लास सेकेंड में कंप्यूटर पढ़ा है, अब उससे भी ज़्यादा हम डिटेल में क्लास थर्ड में पढ़ेंगे. तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कितने स्टेप में वर्क करता है और कैसे स्टेप कैसे वर्क करता है, ठीक है ना? तो हम आगे देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं. ओके, मूव करते हैं. ऑलराइट, क्या दिख रहा है स्क्रीन में? थ्री इट्स स्टेप दिख रही हैं, ठीक है ना? फर्स्ट क्या है? इनपुट डेटा. सेकंड प्रोसेस. और लास्ट क्या है? आउटपुट डेटा. तो इनपुट देने के लिए हम किन डिवाइस का यूज़ करते हैं? इनपुट डिवाइसेस का. वेरी गुड. प्रोसेस हमारा कौन करता है? सीपीयू करता है. और लास्ट आउटपुट हमको किस में मिलता है? मॉनिटर में मिलता है. तो अभी आज हम क्या करते हैं, थ्री स्टेप्स देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को भी डिटेल में पढ़ेंगे. बट अभी कहाँ पे ध्यान देना है कि कंप्यूटर आखिर हमारा वर्क करता कैसे है, उसमें अंदर होता क्या है जो हमें हमारे अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट मिलता है. तो हमने पहले इनपुट दिया, प्रोसेस हुई, हमको आउटपुट मिला, ठीक है ना? अब हमने क्या किया, 2+2 डेटा को एंटर कर दिया, कंप्यूटर को हमने दे दिया 2+2. अब प्रोसेस अंदर होगी, 2+2 क्या होगा? ऐड होगा. ऐड होगा ना, आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा स्क्रीन में, क्योंकि 2+2 क्या होता है? 4 होता है. अब आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं बेस्ट एग्जांपल लेकर आई हूँ, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है ये इनपुट प्रोसेस और आउटपुट. तो क्या होता है, इनपुट हमने इनपुट दिया, ठीक है, अंदर जो भी वर्क हो रहा है, सीपीयू अपना वर्क कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, तो यहाँ पे चल रही है प्रोसेसिंग, और जो भी हमको आउटपुट चाहिए वो हमें स्क्रीन में मिल रहा है, तो वो हमारा होता है आउटपुट. अब इसको हम देखते हैं एग्जांपल के साथ. चलो तो अब देखते हैं. ओहो, क्या हो रहा है स्क्रीन में? कॉफ़ी बन रही है. तो चलो अपन भी क्या करते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं और इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है. तो क्या दिख रहा है स्क्रीन में? इनपुट में देखना, कॉफ़ी रखी है, मिल्क रखा हुआ है और शुगर है. तो कॉफ़ी बनाने के लिए हमको मिल्क, शुगर और कॉफ़ी की ज़रूरत होती है ना?
उसको हमने कंटेनर में लिया और क्या किया, उसको गैस के ऊपर रखा और बटन को ऑन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है। जो ये गैस में हमने कंटेनर में रखा हुआ है और गैस ऑन कर दिया है, तो ये गैस क्या यहाँ पे क्या चल रही है, प्रोसेस चल रही है, ठीक है। और जब कॉफ़ी बन जाती है, उसको हम कप में ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, पी लेते हैं, ठीक है। तो बनी हुई कॉफ़ी हमें कैसी दिख रही है, आउटपुट में देखना तो वैसी दिखती है हमें बनी हुई कॉफ़ी, समझ आया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनपुट लिया। इनपुट क्या है हमारा, कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गई। उसको हमने एक कंटेनर में रख के गैस में रख दिया, प्रोसेस चल रही है और हमें कॉफ़ी बन के रेडी होके मिल जाती है कुछ टाइम बाद। तो ये क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। तो यहाँ से समझ में आया क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या बनाई, कॉफ़ी बनाई, ठीक है ना। अब इसका एक एग्जांपल और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके ओके, वन मोर एग्जांपल फॉर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ठीक है। अब इससे ईजी तो कुछ हो ही नहीं सकता इनपुट प्रोसेस और आउटपुट को समझने के लिए। फर्स्ट पिक में आप क्या देख रहे हो, डर्टी क्लोथ्स, सेकेंड वॉशिंग मशीन और थर्ड क्लीन क्लोथ्स। ऊपर क्या है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट लिखा है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब आप लोग अपने कपड़े गंदे कर लेते हो तो मम्मी क्या करती है, उनको वॉश करती हैं। तो जो आपके गंदे कपड़े हो गए, क्या हो गया, ये इनपुट हो गया, दिख रहा है ना स्क्रीन में, गंदे कपड़े क्या हो गए, इनपुट हो गए। अब हमको प्रोसेस करा के इनको क्या करना है, क्लीन करना है। अब प्रोसेस करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, वॉशिंग मशीन का, ठीक है। तो मम्मी क्या करती हैं, आपके गंदे कपड़े लिए, उसमें पाउडर डाला वॉशिंग मशीन में और मशीन की बटन को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बटन ऑन करने के बाद क्या चलती है, प्रोसेस चलती है। जो वॉशिंग मशीन होती है वो हमारे कपड़े को क्या करती है, अंदर ही अंदर प्रोसेस करती है और वॉश करती है। जब वो वॉश हो जाता है तो हमें आउटपुट कैसा मिलता है, क्लीन क्लोथ्स, अच्छे साफ साफ कपड़े मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। अब इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ हो नहीं सकता आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, आज हमने क्या किया, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट देखा कि आखिर हमारा सिस्टम वर्क करता कैसा है, ठीक है। कंप्यूटर में आखिर अंदर ऐसा होता क्या है जो हमको हमारे अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ हमने देखा इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।